नमस्कार, आप देख रही हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। बिहार के पूर्व सीएम व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। लालू प्रसाद यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें, इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव से फोन पर बात की है और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। तेजस्वी ने बिहार की जनता से भी एक भावुक अपील की है। आपको बता दें, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास में गिर गए थे। इससे उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। शरीर के अन्य हिस्सों में भी उन्हें काफी गंभीर चोटें भी आई थी। इससे पहले वो कई रोगों से जूझ रहे थे। सोमवार तड़के उनकी हालत बिगड़ने पर पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम के फेफड़ों में पानी भर गया है। हालत नाजुक होने से उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने की तैयारी की जा रही है। कई डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। राजद के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक पूरी टीम उनकी निगरानी कर रही है। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव से बात की और राजद सुप्रीमो के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पीएम ने राजद प्रमुख के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।